राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर छात्रों को स्किल्ड और आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में स्काईलाइन इंस्टीट्यूट ने अपने कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत संस्थान कॉलेज के फोर्थ ईयर के छात्रों द्वारा संचालित किए जा रहे आईटी कंपनी फ्रेंटिक इन्फोटेक के स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। Number of students get benefited, and in future I hope more number of startup sales in our institute by this youth we can start sitting in front of this. Whatever training you are getting here, I hope that you are going to utilize that training for the development of your overall growth, we can say that, and try to boost up your knowledge that can be, we can say, utilized in terms of your, we can say that, overall personality development for your future, for your placement, for your jobs and all these things. So I hope, I wish all the best to all the participants. You will get more benefit from this training. राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्काईलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने अपने स्टूडेंट्स को कुछ तोहफा दिया है। जी हाँ, स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च करके अभी हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आर के यादव, निदेशक स्काईलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यादव जी, आपका स्वागत है ग्रेनो न्यूज़ में। तो जो स्टार्टअप प्रोग्राम आज आपने लॉन्च किया है, किस तरह से वो छात्रों के लिए जो है उनको प्रमोट करने के लिए बेहतर होगा और क्या पूरा प्लान है ये बताएं। पहले तो मैं सर धन्यवाद देता हूँ ग्रेनो न्यूज़ का कि उन्होंने हमारे यहाँ पर स्टार्ट हुए हमारे कॉलेज के अंडर में एक हमने स्टार्टअप प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है। स्टार्टअप कंपनी का नाम है फ्रेंटिक इन्फोटेक। ये हमारे यहाँ के छात्र हैं फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के, जिन्होंने फ्रेंटिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, जिसका हमने आज इनॉग्रल फंक्शन स्टार्ट किया। इसके तहत हम लोग जो छात्र हमारे हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के छात्र जो हैं, इनके लिए हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरुआत किया आज है। इसके तहत हम लोग चार चीज़ों में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेसिकली हमारा एक है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो रहा है, एक हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट वेब एप्लीकेशन का प्रोग्राम हो रहा है, और हम लोग एक सॉफ्ट स्किल का प्रोग्राम कर रहे हैं एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो इसके तहत हमने हमारे पास करीब 50 बच्चे रजिस्टर्ड किए हैं स्काईलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। तो विंटर इंटर्नशिप के नाम पे हम लोग इसका प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने आज इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। जी, देखा जाता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें एक फंडिंग की एक खास करके प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे इससे और स्काईलाइन इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट का इसमें किस तरह से सपोर्ट मिलेगा? जहाँ तक बात फंडिंग की है, वैसे इस तरह के स्टार्टअप प्रोग्राम्स करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एमएसएमई भी काफ़ी फंड दे रही है, प्लस एआईसीटी का फंड भी आजकल आ रहा है, और एआईसीटी भी आजकल काफ़ी जोर दे रही है इनोवेशन इंक्यूबेशन पर, जो हमने शुरू किया हुआ है इनोवेशन इंक्यूबेशन। तक बात इसकी है, क्या कहते हैं कि फंडिंग की बात है, हमारा कॉलेज इसके लिए ओपन है। अगर इस तरह के कोई भी हमारे यहाँ कुछ अच्छा प्रोग्राम होता है तो कॉलेज मैनेजमेंट इसके लिए सदैव तैयार है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, इस उपलक्ष्य में आप छात्रों को, स्टूडेंट्स को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाह रहा हूँ कि इस अवसर पर जो हमारे छात्र हैं काफ़ी अच्छा मतलब करें, आगे बढ़ें और देश में काफ़ी मतलब देश के उन्नति के लिए काफ़ी योगदान दें। मेरा बस यही एक आह्वान है आज बच्चों के लिए कि जो बच्चे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने देश के लिए जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं। शुक्रिया। छात्रों को स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए कॉलेज प्रबंधन अपना पूरा सहयोग और सुविधा मुहैया करवा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्काईलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आज स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च की गई है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मार्केटिंग हेड मनमत राव जी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर, आप किस तरह मैनेजमेंट इस स्किल इंडिया डेवलपमेंट के थ्रू अपने कॉलेज में बच्चों को हेल्प कर रही हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे प्रमोटर्स हैं वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों इंजीनियर्स हैं, तो उनका ये फोकस रहता है कि अपार्ट फ्रॉम कॉलेज का सिलेबस के अलावा प्रैक्टिकल कितना बच्चों को शिक्षा दी जाए, और इसलिए जो स्टार्टअप आज के डे में शुरू किया है उसमें जो हम बच्चों को फैसिलिटी दे रहे हैं, हमने एक सेपरेट पूरा बिल्डिंग में एक फ्लोर दिया हुआ है उनको अपना स्टार्टअप बिजनेस सेट करने के लिए, और सारी फैसिलिटीज़ हैं, एयर कंडीशनड रूम है और बाकी जितने रिसोर्स हैं हम सब बच्चों को दे रहे हैं ताकि वो बिना किसी कॉस्टिंग, बिना किसी और
चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होके कॉलेज से पूरी मदद लेके अपना बिजनेस शुरू करें और अपने पांव जमाएं। स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत फ्रेंटिक इन्फोटेक 11 दिवसीय टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल पर कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। Representative of Frantic Infotech, just I want to say that we believe in the vision of Swami Vivekananda. What the vision of Swami Vivekananda teach us, he always used to teach us that we have to accept always those approach which is experimental, which is scientific. We should never follow the trend. What is the trend, what our senior have done, and what everyone is going to do, just we have to follow those things. We should never follow those trend which is created by someone. That trend will be created by them according to their comfort zone. We have to do those things which is our requirement. So we believe in action, action and action. And on this occasion, just I want to say that I assure all of you, my dear friend, that we provide you best skill development workshop, because we are also a student and we know that what is our requirement, how we feel comfortable, what should be the methodology to teach us. We are very much familiar to you, so just we deliver all the content which is completely relevant to you. So just keep patience and show your dedication with our team. I am sure and I hope that all of you will gain a good skill. And thanks to Director Sir, Dr. R.K. Yadav Sir, HOD Sir and all the faculty member of this college to giving such opportunity टीम। थैंक यू। अधिक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।